भगवान और गुरु में अंतर भारी है। गुरु लोटा भरकर जल चढ़ाने का बोलेगा, गुरु रुद्राक्ष धारण करने का बोलेगा, गुरु माला पकड़ने का बोलेगा, गुरु शंकर का मंदिर का दरवाजा पकड़ने को बोलेगा, गुरु भगवान के मंदिर तक भेजने का प्रयास करेगा और परमात्मा मंदिर से दूर करने का प्रयास करेगा। और जब कुआं खोदते जाओ खोदते जाओ खोदते जाओ, आप लोगों ने बोर लगवाया है अपने घरों में कभी? खेत में बोर लगवाया, कुआं खुदवाया, तो आप लोगों ने बोर लगवाया होगा, कुआं खुदवाया होगा, जब पानी नहीं निकलता तो क्या करते हो? अरे 100 फीट और करो, मुझे लगता है कि निकलेगा। बोलो बोलो सही है कि गलत है? थोड़ा 50 फीट और करो, मेरा मन करता है पानी निकलेगा। और 100 फीट करो, मेरा मन करता है पानी निकलेगा। और करो 100 फीट और करो, पानी निकलेगा। और जब विश्वास दृढ़ हो गया, भरोसा पक्का हो गया, थोड़ी और मेहनत करी तो ये पक्का है कि जल ज्यादा नहीं कम निकलेगा, पर निकलेगा जरूर निश्चित। अब कई लोग कह देते हैं कि बताओ हमने 400 फीट बोर करा, 250 फीट फोर करा, 300 फीट बोर करा, हमारा पानी नहीं निकला। पर कभी कभी ऐसा होता है कि भले उस समय पर पानी नहीं निकला, उस समय तुम्हारा काम नहीं हुआ, उस समय तुमने मांगा और भगवान ने नहीं दिया, पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो 250 फीट का बोर, 300 फीट का बोर, 400 फीट का जो बोर है, तुमने देखा ये तो सूखा चले गया, उसमें पानी नहीं निकला। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बाबा उस सूखे बोर में भी दूसरी बार मोटर डाल के देखो तो पानी निकाल ही देता है। कभी कभी ऐसा, कभी कभी ऐसा हो जाता। उस सूखे बोर में भी पानी निकाल दिया, हमने तो छोड़ दिया उस पर, हमने तो विचार कर लिया इसमें तो पानी नहीं है, हमने तो विचार कर लिया इसमें तो ऐसा जल तो है ही नहीं, ये तो चलता ही नहीं है, इसको छोड़ दो। देखिए हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर पानी का बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा तकलीफ है यहाँ पानी की हो, और आप लोगों से भी निवेदन करेंगे जल को बचाने का प्रयास करो, जल है तो कल है। इसलिए हम हर जगह कथा में बोलते हैं कि वृक्ष लगाओ, बेलपत्री के वृक्ष लगाओ, चाहे नीम के लगाओ, पीपल के लगाओ, पर वृक्ष जरूर लगाओ जिससे जल स्तर भूमि का बढ़े। हमारे वो प्रेम सिंह मेवाड़ा और प्रेम भैया जो हैं, तो वो हम बोर लगाते जाएं और वो सूखे रहें, तो प्रेम सिंह का गुरुजी बोर लगाने से कौन सा फायदा, पानी तो इसमें निकलता ही नहीं। हमने उससे कहा प्रेम बोर तो लगा लो, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, पानी तो कभी तो आएगा। और ग्राउंड में इस कंकर शंकर की भूमि पर जहाँ जहाँ भवन है वहाँ वहाँ बोर लगाए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पहले तो सूखे जाते हैं पर बाद में बाबा थोड़ा ना थोड़ा जल उन बोरों में दे ही देता है, ये शिव भक्ति। अब वो प्रेम सिंह बोले गुरुजी इसमें मोटर डाल दें, हमने कहा डाल दो, निकलेगा थोड़ा लेट निकलेगा, तो सूखा गया है, हमने कहा भले सूखा गया तुम डालो तो उसमें, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, अब डालो। एक विश्वास अपने अंदर उत्पन्न करिए, भगवान देवदत्त महादेव के दरवाजे पर जाते रहो, अपने नजदीक के शिवालय में जाते रहो, शंकर की चौखट पर जाते रहो, एक लोटा जल चढ़ाते रहो। आज नहीं सुना कल सुनेगा, कल नहीं सुना परसों सुनेगा, परसों नहीं सुना नरसों सुनेगा जरूर, खाली नहीं जा सकता, खाली नहीं जाओ, आप आयो। खाली नहीं जा सकते, आए हो। और मैंने तेरे ही भरोसे, भोले तेरे ही भरोसे,
हवा विच उड़ती जावगी बाबा डोर गलो छड़ी ना कटती जावगी। मेरी जीजियों, आप सब कुबेर भंडारी के दरवाजे पर कथा सुनने के लिए कुबेरेश्वर बाबा की कंकर शंकर की भूमि पर आए हो ना, विश्वास मान कर जाना कि मेरा बाबा आपको खाली तो नहीं भेजेगा, झोली भर कर जरूर भेजेगा, निश्चित। खाली नहीं भेजेगा, वो भरकर ही भेजेगा, भंडार भरकर ही भेजेगा। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर, एक विश्वास। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, गुरु में और परमात्मा में बहुत बड़ा एक अंतर है, बहुत बड़ा। अपने भीतर एक बात को उतार लीजिएगा जरा अच्छे से। गुरु में और परमात्मा में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु भगवान के द्वार तक ले जाए और भगवान अपने द्वार से तुम्हें धन, वैभव, सत्ता, गाड़ी, बंगला, आभूषण सब दे देगा, पर भक्ति नहीं देगा, भक्ति दूर। मशबरी अंबा के दरवाजे पर मेरे राघव जी पहुंच गए। मशबरी अंबा के दरवाजे पर राघव जी पहुंचे और शबरी अंबा ने अपने गुरु मातंग बाबा से पूछा था कि मैं यहीं पर रहूं, मैं इसी जगह पर रहूं। मां शबरी अंबा से मातंग बाबा कहते हैं, शबरी तुम यहीं रहो, यहीं। शबरी अंबा कहती हैं अपने गुरु मातंग बाबा से, मुझे परमात्मा को ढूंढने जाना तो पड़ेगा ना, मैं कहीं तो जाऊं उनको ढूंढने के लिए। मातंग बाबा, गुरु ने कह दिया कहीं मत जा, कहीं मत जा, यहीं रह, कहीं ना जाऊं ना जा, कहीं ना पहुंचूं मत जा, फिर भगवान मिलेंगे कैसे। तो कहा जैसे एक भक्त भगवान को ढूंढता है और जब भक्त के हृदय में शीतलता, भक्त के हृदय में मौनता, भक्त के हृदय में नम्रता, भक्त के हृदय में जब वात्सल्यता, भक्त जब अहंकार से दूर हो जाता है, भक्त जब क्रोध से दूर हो जाता है, भक्त जब अहम से दूर हो जाता है, भक्त जब मैं और मेरे से दूर हो जाता है, भक्त जब क्रोध से दूर हो जाता है, भक्त जब अपने अभिमत्ता से दूर हो जाता है, तब भक्त को भगवान को नहीं ढूंढना पड़ता, तब भगवान भक्त को ढूंढता हुआ आता है। भक्त भगवान को नहीं ढूंढेगा, भगवान भक्त को ढूंढता हुआ है। शबरी अम्मा कह रही है कि मैं यहीं पर रहूं, यहीं पर तुम्हें यहीं रहना है, यहीं रहो। यहीं पर, हाँ यहीं पर रहो, ढूंढेगा वो। आप, आपसे एक निवेदन, आप जरा ध्यान देंगे तो आपकी सोने की अंगूठी, आपकी हीरे की अंगूठी कहीं रखा गई, जम के बोलो जरा, ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे। अरे बोलो तो जम के। अब तुम्हारे पास में टार्च नहीं है तो तुम क्या करोगे, मोबाइल की लाइट चालू करोगे, ढूंढ रहे नहीं मिल रही। फिर तुमने कहा हमारी तो वो अंगूठी नहीं मिल रही, मेरा तो सामान रखा गया, भगवान जाने कहाँ रखा गया, मिल ही नहीं रहा। अब तुमने ढूंढने का प्रयास करा, वो मिल ही नहीं रही। फिर तुमने ढूंढने का प्रयास करा, वो मिल ही नहीं रही।
आखिरी में तुम क्या करोगे? फिर सोचोगे अब मैं करूं तो करूं क्या भगवान, कुछ ऐसा करो। कई कई माताएं तो हाथ में पल्लू में ना जाने कौन सी गठान लगा लेती है कि वो अंगूठी मिल जाए। मेरी अंगूठी मिल जाए बस। अब ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, कीमती अंगूठी है और कीमती है तो ढूंढ रहे। अब वो कीमती अंगूठी ढूंढते ढूंढते तुमने अलमारी के नीचे जो झाड़ू लगाई तो अंगूठी तो नहीं मिली, पर एक दो सामान और पड़े थे वो भी। फिर तुमने ढूंढने का प्रयास करा, अब बताओ कचरे में ना जाने क्या क्या मिल रहा है, सामान मिल रहा है, फिर मेरी अंगूठी नहीं मिल रही। ढूंढते गए ढूंढते गए ढूंढते गए ढूंढते गए ढूंढते, और जब तुमने ढूंढना प्रारंभ करा, खूब लक्ष्य बनाकर अगर ढूंढा, बहुत लक्ष्य बनाकर ढूंढा, तो आखिरी में एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, चार दिन नहीं, पांच दिन नहीं, तुम जितनी बार अलमारी को टटोलते, कपड़े निकालते उतनी बार ढूंढते, तुम जितनी बार प्रयास करते उतनी बार वो ढूंढने का प्रयास करते, आखिरी में एक महीने में डेढ़ महीने में वो अंगूठी तुम्हारे हाथ में आ ही गई। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, वो भी अपने हीरे की अंगूठी को अपने भक्त को जल चढ़ाने वाले को मेरा शंकर कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता है कि ये मेरा अपना, ये मेरा। अपने जीव को ढूंढता है। शबरी अम्बा स्वयं मातंग बाबा से करेंगे, गुरुजी से करेंगे, गुरुजी मैं भगवान को ढूंढने जाऊं? गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, तुझे ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, तुझे कहीं नहीं जाना, वो खुद ढूंढता हुआ है। और आपसे निवेदन है, जैसे गुरु मातंग बाबा ने अपनी शबरी अम्बा को, माता शबरी को कहा था कि तुम्हें ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, परमात्मा तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा, उसी तरह आप भी याद रखना, जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शिव जी के मंदिर रोज जाते हैं, जो शंकर जी की चौखट पर एक लोटा जल लेकर पहुंचते हैं, तुम्हें परमात्मा को ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक दिन भोलेनाथ तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आएगा और झोली भी भरकर जाए। एक पत्र मेरा नाम ललित संतोष कुमार बंसीवाले, हम अजमेर राजस्थान के निवासी हैं, अजमेर से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइए, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अजमेर राजस्थान से आए हैं। अच्छा हाँ, दिख गए, हाथ हिला दो एक बार। बच्चा आया है साथ में? ले आओ ले आओ, आ जाओ इसको लेकर। मेरा नाम ललित संतोष कुमार बंसीवाले है, हम अजमेर राजस्थान के निवासी हैं। गुरुजी मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, तब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि संतान का सुख आपके भाग्य में नहीं है। इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ा, सालों निकलते चले गए, संतान का सुख आया नहीं। तब मेरी माता जी शारदा देवी, आपकी कथा टीवी पर सुनती हैं, आपको कभी उन्होंने देखा नहीं था। मेरी माँ ने बस केवल हमको कहा कि टीवी पर कथा आती है आस्था चैनल पर, और वो सीओर वाला महाराज है जो शिव पुराण की कथा करता है, अगर आसन लगाकर बैठकर टीवी के सामने भी सुनोगे ना तो संतान की प्राप्ति होगी। अब इतनी व्यस्तता में कैसे समय निकालते गुरु जी, और टीवी के सामने आसन लगाकर हम लोग बैठ जाते, दोनों पति पत्नी बैठकर कथा सुनते और बाबा से यही प्रार्थना करते, बाबा डॉक्टर तो मना कर दिया, अब आपके आश्रित है। मेरी माता जी शारदा देवी ने कह दिया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो और सफेद आंकड़े की जड़ उसको कमर में बांधना। हमने वो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, बाबा से टीवी के सामने बैठकर निवेदन करते रहे कि बाबा आपको संतान देना है, हमने दिल से आपकी कथा सुनी है और आप पर भरोसा किया, आप हमारी ना सुने तो कम से कम वो सीओर वाले महाराज की तो सुने, बाबा कृपा करो संतान का सुख दो। और बाबा की कृपा से मेरी धर्मपत्नी गर्भ से हुई,
और ऐसी कृपा मेरे बाबा की हुई 22 अक्टूबर 2023 को हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए एक शिव भक्त, शंभो शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन। एक शिव भक्त, अब कितनी सुंदर बात करी, हमारी माताजी आपको पहचानती तक नहीं, बस केवल टीवी पर कथा सुनी है, केवल टीवी पर कथा सुनी, हम भी नहीं जानते कब था, केवल कथा। और शिव मंदिर जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने नगर में जो शंकर का मंदिर हो आप वहां जाना चालू करो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ, जाओ उसके दरवाजे तक, जाओ उसकी चौखट तक, जाओ उसके दरवाजे तक। और जब हम उसकी चौखट तक जाएंगे, वो भी हमें ढूंढता हुआ अपने दरवाजे तक जरूर आएगा। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रतिदिन नंदी पर बैठकर प्रदोष काल में अपने भक्तों के दरवाजे पर जाते हैं प्रतिदिन। हमारा क्या बिगड़ा महाराज, उसकी अविरल भक्ति, उसका विश्वास, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता आपके और हमारे भीतर समाहित होना चाहिए। आप शिव के मंदिर जाना चालू कर दो, आप शंकर की चौखट जाना चालू कर दो, शंकर भगवान आपको ढूंढेंगे, शिव आपको ढूंढेंगे, शंकर अपने भक्त को ढूंढेंगे। आपको कहीं नहीं जाना है, आप तो बस केवल मंदिर की दरवाजे की चौखट, शिव तत्व को, शंकर को जानना प्रारंभ करो कि हमें शिव के शिवालय जाना है। एक अपने भीतर शिव जी को अगर जल चढ़ाते हो तो दो चीजें अपने भीतर लेकर आ जाओ, एक नम्रता। शिव को जल चढ़ाने वाले के अंदर नम्रता होना चाहिए, दुनिया गाली दे, अपशब्द कहे, ताने दे, आड़ा टेढ़ा बोले, कोई कुछ भी कहे, आप इतने नम्र रहो, इतने नम्र रहो कि मेरा भोला बाबा सोचे कि ये भी भोले जैसा भोला है तो वो भी तुम्हारी नम्रता के लिए तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, उतनी नम्रता। दांत में और जीवान में एक अंतर भारी है, दांत अकड़ते हैं, काट खाऊंगा, नखून बड़े काट लिया, दांत अकड़ते हैं, कड़ले ठट हो जाते हैं, अकड़ में फूल जाते हैं, और जीवान नम्र है, इसलिए मरने से पहले ये जो अकड़ते हैं ना ये सब टूट के गिर जाते हैं, और जो नरम नरम रहनी नम्र वो मरते दम तक नम्र ही रहती है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। नम्रता, अपने भीतर की नम्रता को समाप्त मत करो, अपने भीतर नम्रता लाइए, अकड़ नहीं। शंकर भगवान के दो गुण अपने भीतर लाओ, एक सत्य और दूसरी नम्रता। एक सत्य और दूसरी नम्रता, और फिर वो सत्य के पीछे कितना भी बवाल मच जाए, जैसा भी मचा था, सत्य और नम्रता ये दोनों छूटना चाहिए। एक सत्यता अपने भीतर लाई, सत्य सत्यम शिवम सुंदर, एक सत्य को अपने भीतर लेकर आओ और एक नम्रता को अपने भीतर लेकर आओ। जिस दिन
आप नम्र बन जाएं, भोले बन जाएं, भोले के भक्त बन जाएं, केवल त्रिपुंड लगा लेने से, रुद्राक्ष की माला धारण कर लेने से, अपना चोला बदल लेने से, अपना स्वरूप बदल लेने से कोई नम्रता का भाव नहीं, शिव भक्त नहीं कहलाता। महाराज, शिव भक्त की सबसे बड़ी निशानी है सबको आनंद में देखना, सर्वे भवंतु सुखी नहा, सबके भीतर शिव को देखना, सब में शंकरमय देखना। आपके नज़दीक के शिवालय में जल चढ़ाने जाओ, सावन के महीने में जाओ, 5 सोमवार हैं, 5 सोमवार में से 1 सोमवार को जल चढ़ाओ और ये विचार करो, आज मैं काशी में जल चढ़ा रही हूँ, मेरे काशी विश्वनाथ, आप इसको स्वीकार करना। 5 बार काशी 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 कहकर जल चढ़ा देना, तुम्हारा जल काशी विश्वनाथ स्वीकार कर लेंगे, वो निश्चित है कहीं पर भी बैठ कर। एक कथा आती है, एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है, एक सास और बहू में बहुत प्रेम था, इतना प्रेम कि सास बहू के बिना ना रहे, बहू सास के बिना ना रहे, एक मिनट बहू सास के बिना नहीं, सास बहू के बिना नहीं, ये बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम। इतना प्रेम था सास बहू में कि एक दूसरे के बिना शॉपिंग करने नहीं जाए, सब्जी खरीदने जाए तो दोनों, सामान खरीदने जाएं तो दोनों, सास अपने मायके जब मायके जाए तो बहू भी उसके साथ मायके जाए, बहू अपने मायके जाए तो सास उसके साथ मायके जाए, इतना प्रेम, इतना प्रेम, चाय एक साथ बैठ के पिए, गप्पे एक साथ मारे, निंदा भी करें तो एक साथ बैठ के, किसी की जरूरत नहीं इन दोनों को, एक्स्ट्रा माल तो होना ही, कोई होना ही नहीं, एक्स्ट्रा कोई नहीं चाहिए, बस अपन दोनों बैठ जा, जिसकी निंदा करना है अपन कर लेंगे, बातचीत करना है अपन कर लेंगे, दोनों भोजन करें तो एक साथ, शादी में जाएं तो एक साथ, इतना प्रेम। एक दिन सास के मायके वालों ने कहा, जी जी अपन सब काशी जा रहे हैं तो मेरा मन है कि अपन काशी चलें, तो जी जी बोली मैं चलूंगी तो शरीर पर मेरी बहू को भी लेके जाऊंगी। इतने में सास ने जैसे ही कहा तो भाई बोला, नहीं नहीं देखो अपन बुजुर्ग बुजुर्ग में ये नए नए इन लोगों को लेकर जाओ, अच्छी बात नहीं है, इनको अपन अलग से भेज देंगे, तुम मेरे साथ चलो। अब तो सास ने कहा मैं तो नहीं जा रही, इतने में बहू ने कहा मम्मी जाने में क्या दिक्कत है, चली जाओ ना, क्या दिक्कत, जाओ मामा जी ले जा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं, काशी स्नान करा रहे हैं, चले जाओ। इतने में सास ने मना करा, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, मेरा मन नहीं लगेगा 1% भी, मैं क्या करूं, 1% भी मेरा मन नहीं लगेगा। सास ने मना कर दिया, बहू ने मनाया और भेज दिया। सास चली, बहू ने सारा सामान तैयार कर दिया, उनको ट्रेन में रेलवे स्टेशन पर छोड़ भी दिया, बैठ भी गई, और बैठने के बाद जैसे ट्रेन चालू हुई, चालू होने के बाद थोड़े दूर तक ट्रेन निकली, तब याद आई कि याद आया कि मेरी एक अंगूठी और चाबी अलमारी की लगी रह गई। सांस की बेचैनी बढ़ गई, बेचैनी। भाई ने पूछा, जी जी क्या हुआ, मुंह में अलमारी में ताला लगा के नहीं आ पाई, मेरी अंगूठी रह गई, मैं ताला लगा कर नहीं आ पाई, अंगूठी रह गई। सास मन में विचार करी, अब करूं तो करूं क्या, किसको कहूं, क्या कहूं, कैसे कहूं, क्या बोलूं, विचार। काशी पहुंच गई, बहू को मां बोलकर गई थी मैं कल सुबह 10 बजे काशी का गंगा जी का स्नान करूंगी, बहू ने भी एक बड़ा वाला बर्तन लिया, तबेला, उसमें पानी भर लिया, एक ढक्कन गंगा जल डाल लिया, और बहू ने भी सोच लिया मेरी सास अगर मां गंगा नहाएगी तो मैं आना। चाबी घर रह गई, सास जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए अंदर गई और गले में एक चेन थी, वो पानी के भपके के कारण गले से निकल गई। बहू तवेले में बैठ कर नहा रही थी और उसने कहा, गंगा मैया अगर तू सच्ची है तो मैं जैसे मेरी सास गंगा जी में नहा रही है काशी में, वैसा ही पुण्य मुझे
अपने घर में गंगा जल में नहाने से मिल जाए, ऐसी कृपा कर दे माँ गंगा। विश्वनाथ जैसे उसने तवेले में अपनी डुबकी को लगाया, सांस की जो चैन थी वो इसके भगोने में आ गई। अब सास इतनी दुखी, एक तो अंगूठी चाबी और दूसरी चैन चली गई। चिंता में पड़कर सास का मन काशी में नहीं लगा। आ गई, आई, आते से ही उसने बहू को देखा। बहू ने कहा, माँ आ गई आप? हाँ, पर एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी गले की चैन गंगा जल में गिर गई। माँ जो तुम हमेशा एक चैन पहनती थी ना, वो चैन मेरे पानी के भगोने में मिली है, जिसमें मैंने एक ढक्कन गंगा जल डालकर नहाया था। मामा जी बोले, बेटा तुम्हारी सास गंगा नहाने काशी गई, उसका चित्त काशी में नहीं लग पाया उसकी चैन अंगूठी और चाबी के कारण, पर तेरी भक्ति गंगा जी के प्रति और अपनी सास के प्रति इतनी रही कि वो सोने की चैन गिरी थी काशी में और मिली तेरे भगोने में, ये विश्वास होता है, ये भरोसा। सावन का महीना आ रहा है, श्रावण का महीना चालू हो जाएगा, 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा महोत्सव हो जाएगा, 22 तारीख से श्रावण का महीना प्रारंभ। जब श्रावण का महीना प्रारंभ हो, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, एक विश्वास लेकर जाना, एक भरोसा लेकर जाना, एक दृढ़ता लेकर जाना। जिस दिन भरोसा और दृढ़ता के साथ जाओगे, उस दिन तुम्हारा काम सिद्ध होगा। तुम ये विचार करना, आज मैं काशी में जल चढ़ा रही हूँ, आज मैं सोमनाथ में जल चढ़ा रही हूँ, आज मैं नागेश्वर में, आज मैं भीमा शंकर में, आज मैं मल्लिकार्जुन। विश्वास, एक पत्र है देखिए, मेरा नाम सुमन दुबे, सुमन जी दुबे कहीं बैठी हैं? आपकी भोजन की पत्तल यहाँ है, हाथ हिलाओ सुमन जी, सुमन दुबे हाथ हिलाइए, आइए एक बेल पत्र लेकर चले आ जाइए। मेरा नाम सुमन दुबे है, एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा आपकी शिव महापुराण की कथा सुनकर शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव इसका गवर्नमेंट जॉब नहीं था, इतना प्रयास कर रहा था सरकारी नौकरी के लिए, पर इसका जॉब नहीं लग पा रहा था। आखिरी में मेरे बेटे ने कथा सुनना प्रारंभ करी और उसने कह दिया, माँ वो सियोर वाला महाराज कहता है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तो अब मेरी समस्या मेरे भोलेनाथ की समस्या, मैं मेरे बाबा के ऊपर ये समस्या छोड़ता हूँ, अब मंदिर जाऊँगा, झाड़ू लगाऊंगा, पोछा लगाऊंगा और मंदिर में चाकरी करूँगा और जल चढ़ाऊंगा। और वो सियोर वाला महाराज कहता है, इतनी मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो जाए। मेरे बेटे ने मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा और इतना मेहनत करना प्रारंभ करा, क्योंकि गुरुजी आप कहते हो कि शंकर पर अगर बेलपत्री में शहद लगाकर चढ़ाओ तो उससे पहले पूरी मेहनत करो। और मेरे बेटे ने मेहनत करना प्रारंभ करी, पढ़ना प्रारंभ करा, एग्जाम देना प्रारंभ करा और शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा के चरणों में इसलिए आई हूँ कि दुनिया के लोग एक गवर्नमेंट जॉब के लिए तरसते हैं, मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ तो दो बैंक से नौकरी मेरे बेटे के पास आई और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। मेरे बेटे के लिए दो दो नौकरियां आ गई, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और लुटा दिया भंडार, पत्र में लिखा है, कर दिया माला, कर दिया माला माल काशी वाले ने,
कर दिया। लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। एक विश्वास जागृत करिए अपने, एक विश्वास जागृत करो अपने भीतर कि हम जिस शिवालय में जा रहे हैं, हम शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं, हम शिव के चौखट तक जा रहे हैं, हम शंकर के दरवाजे तक जा रहे हैं, तो मेरा शिव मेरा साथ देगा जरूर, खाली नहीं छोड़ेगा, मेरा शिव आएगा साथ देगा जरूर देगा। विश्वास अपने भीतर जागृत करें। जाते हो शिव मंदिर, उठाओ हाथ, एक एक लोटा जल चढ़ाने वाले सब जाते हो, रखो रखो रखो। हर हर बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हम शंकर के शिवालय तक, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हम शंकर की चौखट तक, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हम देवाधिदेव महादेव के मंदिर तक जा रहे हैं, तो निश्चित है हमारे भीतर एक विश्वास जागृत। बड़ौदा गुजरात से आए हैं और बाबा की कृपा इसी है बेटे पर, एक एग्जाम एक नौकरी मांगी थी और मेरे देवाधिदेव महादेव ने दो दो बैंकों में नौकरियां दी, बहुत आपके साथ आई ना तीनों, उनको भी एक विश्वास जागृत करें शिव के प्रति, एक विश्वास जागृत करें देवाधिदेव महादेव के प्रति, एक भरोसा अपने भीतर जागृत करें शंकर के प्रति। गुरु मंदिर तक भेज सकता है, गुरु शिवालय तक भेज सकता है, गुरु हाथ में माला पकड़ा सकता है, पर मेरा महादेव प्रयास ये करते हैं कि ये कैसे भी मुझसे दूर हो जाए, अगर दूर होगा तो मुझे इसकी झोली भरना नहीं पड़ेगा, दूर हो जाए थोड़ा मुझसे दूर ही बना ले, आप हारना नहीं, आप थकना नहीं। शंकर जी के मंदिर जाते जाते, देवालय जाते जाते, शिवालय जाते जाते, भगवान का भजन करते करते आपके मन में कभी ये विचार नहीं आना चाहिए कि मैं इतने दिन से जल चढ़ा रही हूँ बाबा मेरी सुन नहीं रहा, मैं इतने दिन से शिवालय जा रही हूँ बाबा मेरा सुन नहीं रहा, मैं शंकर जी को इतने दिन से रिझा रही हूँ मेरा बाबा सुन नहीं रहा। ना ना ना, ये भाव तुम्हारे भीतर आना ही नहीं चाहिए, लगे रहो उसके चरणों की प्रीति लगाते रहो, भक्ति अभिरत भक्ति को जागृत करते रहो। देखो देवराज नामक का ब्राह्मण कभी शिवालय नहीं गया था, कभी भी, केवल उनकी माता देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ थी, अंतिम अवस्था तक प्राण छोड़ने तक वो भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी कि बाबा मेरा शरीर ऐसा बना कर रखना कि मैं तेरे दरवाजे पर आती, मेरा शरीर ऐसा बना कर रखना कि मैं तेरी चौखट तक आते रहूं, बाबा मेरा शरीर ऐसा बना कर रखना कि चलते फिरते तेरा भजन करती रहूं, इसको पलंग पर मत पटक। इसको पलंग पर मत पटक देना, अगर ये शरीर पलंग पर पड़ गया ना तो फिर भजन नहीं कर पाएगा बाबा, इस शरीर को तू पलंग पर मत पटक। देवराज नाम के ब्राह्मण की मां
देवराज नाम के ब्राह्मण की माता प्रतिदिन शिवालय जाती, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करती, शिव को रिझाती, शंकर को मनाती। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। प्रतिदिन देवराज नाम के ब्राह्मण की माता मंदिर जाती, प्राण छूट गए, समय निकल गया। देवराज बहुत बहुत धन चोरी में लग गया। क्यों? क्योंकि देवराज को इतने धन की जरूरत कब पड़ गई? व्यक्ति गलत काम कब करता है? कब गलत काम पड़ता है? जब उसको धन की जरूरत पड़ गई, वैभव की जरूरत पड़ गई, बहुत धन चाहिए, बहुत धन चाहिए। अब वो सोचता है कि गलत करूं, अच्छा करूं, बुरा करूं, कैसे भी करूं, पर मुझे धन चाहिए। एक जरा सा लोभ। ब्रह्मा जी ने गाय माता से कहा, गोमाता से, ब्रह्मा जी ने गोमाता से कहा, हे गोमाता, ब्रह्मा जी गाय से कह रहे हैं, गोमाता से कह रहे हैं, गोमाता मैं तुम्हें एक रोटी प्रतिदिन घर घर से दिलवाऊंगा अगर तुम मेरे लिए एक झूठ बोल दो। और गाय झूठ बोल देती है। एक रोटी के चक्कर में, एक रोटी के लोभ में गोमाता ने झूठ बोल दी। केतकी का फूल, जरा से सुगंध के चक्कर में लोभित हो गया, जरा से सुगंध के चक्कर में केतकी का फूल लोभित हो गया। आज तक सारे फूल धतूरा काटे होते हैं, आंकड़े का पुष्प जहर भरा होता है, कनेर का पुष्प जहर भरा होता है। ये रोड के जो बीच में आप लोग आए होंगे ना, रियल जहां जहां से आए होंगे, गाड़ी चलाकर आए होंगे, ट्रेन से आए होंगे, ऑटो से आए होंगे, जैसे भी आए होंगे, तो रोड के बीच में डिवाइडर में जितने भी रोड के बीच में पौधे लगे रहते हैं, वो सब कनेर के लगे रहते हैं। तुमने देखे कि नहीं देखे? जम के तो बोलो जरा। सब दूर कनेर का फूल लगा देते हैं। कनेर का क्यों लगाते हैं? गाय नहीं खाती, पक्षी नहीं खाते, पशु नहीं खाते, कोई जीव नहीं खाता, कीड़े नहीं पड़ते, इल्ली नहीं पड़ती, सड़ता नहीं है, इसलिए कनेर के फूल को बीच में कनेर की डंडियों को लगा दिया जाता है कि कनेर का फूल है, इसको कोई तोड़ेगा नहीं, इसको कोई खाएगा नहीं, पशु खाएगा नहीं, पक्षी खाएगा नहीं, बकरी खाएगी नहीं, कोई जीव जानवर खाएगा नहीं, इसमें झिंगुर कीड़ा कोई लगने वाला नहीं। तो कनेर को बीच में डिवाइडर पर लगा देते हैं, थोड़ा बहुत पानी डालोगे पनप जाएगा, कनेर लगा दिया। अब जरा विचार करिए, जो फूल, जो पत्ती एक इल्ली नहीं खावे, वो फूल, वो पत्ती मेरे देवती देव महादेव इतनी प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं, उसको अपना बना लेते हैं। फूल कनेर का जिसको कोई स्वीकार नहीं करता, मेरी जीजियां शादी के समय पर बहुत सारी बालों में वो मालाएं लगा लेती हैं, क्या बोलते हैं उसको, गजरा। आज तक किसी जीजी ने फूल वाले से कहा मोगरे का नहीं दे, गेंदा का नहीं दे, कमल का नहीं दे, चमेली का नहीं दे? किसी ने कहा इसमें कनेर का दे दे? फूल वाला सबसे पहले तो तुम्हारा फोटो खींचेगा और फोटो खींच के कहेगा जिंदगी में पहली बार ऐसी मिली है जो कनेर की गजरा मांग रही है। ना तो इसमें सुगंध है, ना इसमें कोई खूबी है, ना इसमें कोई आनंदता है, और इसमें केवल, अगर केवल है तो जहर भरा हुआ है, और जहर भरा हुआ कनेर का फूल तुम मांग रहे हो। हंसेंगे लोग, पर मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे उघरदानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी को जो धतूरा कोई नहीं स्वीकार करता, जो कनेर कोई नहीं स्वीकार करता, मेरे शंकर ने सुगंधित
पुष्प केतकी को श्राप देकर छोड़ दिया और कनेर को धारण कर लिया कि मुझे बेकार से बेकार, हल्के से हल्का, साधारण से साधारण मुझे स्वीकार है। साधारण से किसको? मेरे देवाधिदेव महादेव। धन वाले को धन वाले पसंद करते हैं, करोड़पति को करोड़पति पसंद करते हैं, अरबपति को अरबपति पसंद करते हैं, वैभवपति को वैभवपति पसंद करते हैं और उमापति को केवल उमापति को केवल वही पसंद आते हैं जो उमापति के लायक हुआ करते हैं, उसके सिवाय कुछ नहीं, कुछ नहीं। उनकी वो कहते हैं किसी किसी व्यक्ति की च्वाइस बड़ी अलग होती है, किसी किसी व्यक्ति की पसंद बड़ी अलग होती है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा समझदारी रखो, पहले के जमाने में गांव के लोग हों चाहे शहर के लोग हों, बहू के लिए रकम लेने जाते थे तो एक व्यक्ति को ऐसे को लेकर जाते थे जो उसका परखैया होता था। यहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं, बोलो ईमानदारी से बोलो सही है कि गलत है। गांव के लोग अगर बहू के लिए रकम लेने जा रहे हैं तो जो परखदार होता था उसको साथ लेकर जाते थे, उसको बता देखो जो अंगूठी ले रहे हैं कैसी लग रही है अंगूठी, फिर वो बात करता था कितने टंच की है, कितना सोना है, कितना खार है, जो समझदार होता था, जो समझता था उसको लेकर जाते थे। कितनी सुंदर बात है, फ्रिज लेने जाते थे पहले के समय में, फ्रिज लेने जाते थे तो समझदार को साथ लेकर जाते थे, एक व्यक्ति को जो उसकी परख रखता, परखैया। देखना साहब ये फ्रिज लेना है, ये वाली कंपनी का लें कि ये वाली कंपनी का लें कि ये वाली कंपनी का, तो जो जो परखैया होता था ना वो पूछता था ये कितने सीसी का है, ये कितने उसका है, ये कितने। गाड़ी लेने जाओ टू व्हीलर तो फिर परखैया को लेकर जाते, परखैया पूछता है क्यों कितनी सीसी की है, इसका क्लच कैसा, इसका कितना ये पेट्रोल में कितना किलोमीटर चलेगी और कितना बताओ धुआं निकालेगी, तो ये सब पूछता है कि ये कितना प्राण खाए, क्या पूछे परखैया। और जाने दो, अपने बेटे के लिए बेटी देखने जाते हैं, शादी के लिए जाते हैं तो भी दो चार लोगों को जो अच्छे परखदार होते हैं उनको लेकर जाते हैं, वो प्रश्न करेंगे, पूछेंगे, वो अपने हिसाब से देखेंगे, परखैया लेकर गए, परखैया। अब जरा विचार करो, सोना खरीदने जाओ तो परखैया को लेकर जाओ, गाड़ी खरीदने जाओ तो परखैया को लेकर जाओ, सामान खरीदने जाओ तो परखैया को लेकर जाओ, तो विचार करना। या शास्त्र कहता है पानी पियो छान और गुरु करो जान, अर्थात गुरु भी ऐसा करना, पहले परख लेना कि ये परखैया के साथ बैठकर परखना कहीं क्रोध में तो नहीं डूबा है, कहीं अहंकार में तो नहीं डूबा है, कहीं आसक्तियों में तो नहीं डूबा है। और अगर तुम्हें लगे कि कहीं का गुरु तुम मंत्र लेने गए, वो निंदा करे, दिन भर बैठ के 24 घंटे निंदा में लगा रहे, किसी ना किसी का पांव खींचता रहे, किसी किसी के लिए अपशब्द बोलता रहे, दिन भर क्रोध में डूबा रहे, गुस्से में डूबा रहे, ऐसा गुरु नहीं। हमें सोचना, समझना और ध्यान करना। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी ने किसी को गुरु नहीं बनाया, पार्वती जी ने अपने पति महादेव को गुरु बनाया, एक गुरु पार्वती जी ने शिव को बनाया। परखैया है, मत भटको। गुरु पूर्णिमा आती है, संसार के लोग गुरु को ढूंढना चालू कर देते हैं, कौन से गुरुजी से दीक्षा लेंगे, कौन से गुरुजी से मंत्र लेंगे, कौन से गुरुजी से दीक्षा लेंगे, कौन से गुरुजी से मंत्र लेंगे, कहीं मत भटको। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पति, तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको क्रोध नहीं आता, जो नम्र है, शांत है, हमेशा जन कल्याण की बात करता हो, तो हम तो कहेंगे उसको भी गुरु बना लोगे तो कोई पीछे वाली बात नहीं है, उसको भी गुरु। गुरु
और आज का जमाना तो बड़ा फेमस हो गया, प्रसिद्ध है, खूब सारा आप मोबाइल उठाइए और ढेर सारे गुरु जी उनको देख लीजिए, कौन सा गुरु अच्छा लग रहा है बस उसी से मंत्र लेना। ना ना ना, अरे गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ पर माल हमी को देओ। आज के गुरुजी ऐसे हैं, केवल माल के चक्कर में दीक्षा देते हैं ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरु को परखिए, गुरु को जानिए, और अगर गुरु परख लिया, जान लिया, कोई निंदक नहीं, कोई क्रोधी नहीं, कोई अहंकारी नहीं, कोई अपशब्द बोलने वाला नहीं, कोई ताने देने वाला नहीं, गुरु वो होना चाहिए, भले वो हमारे घर की माँ हो, हमारे घर का पिता हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, या आपका बेटा हो। यहां तक शास्त्र कहता है, कदर्म ऋषि का संवाद, माता देहूति का चरित्र कहता है कि मां ने अपने बेटे कपिल मुनि को गुरु बना लिया था। अगर आपका गुरु, आपका बेटा भी अगर सतमार्ग बता रहा है तो वो किसी गुरु से कम नहीं है, वो भी दीक्षा देने का हकदार। मां अपने बेटे को गुरु बना लेती है, कपिल मुनि को गुरु बना लेती है, अगर वो ज्ञान देने का हकदार है, सतमार्ग बताने का हकदार है। आपका पति आपको सतमार्ग बताने का हकदार है तो वो भी गुरु है। आपका पिता, आपकी माँ, वो भी गुरु के पद पर है, अगर वो ज्ञान देती है, सतमार्ग बताती है तो वो गुरु है। किसी आड़े टेढ़े के चक्कर में मत पड़ जाना। गुरु मंत्र लेने से पहले मोबाइल पे सर्च करना, इसने किसी की निंदा तो नहीं करी संसार में बैठकर, फिर जानना, अगर ऐसे निंदक को गुरु बना लिया तो हमारी भी जिंदगी 71 पीढ़ी तक नरक में चली जाएगी। फिर देखना, कोई क्रोध करने वाले को तो गुरु नहीं बना रहे हो, जिसको क्रोध आ जाए, मालूम पड़े उसको देखकर उससे मंत्र लेकर हमारी जिंदगी भी नरक चली जाएगी। कोई अपशब्द बोलने वाले को तो गुरु नहीं बना रहे हो, मालूम पड़े हमारी जिंदगी भी नरक चली जाएगी। ऐसा गुरु ना बनाइए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने घर में देखिए, कोई सतमार्ग बताने वाला मिल जाए, अपने भीतर देखिए, कोई सतमार्ग बताने वाला मिल जाए, अपने भीतर जानिए जो ईश्वर से जोड़ने वाला मिल जाए, इंसान से नहीं, ईश्वर से जोड़ने वाला कोई मिल जाए, ऐसा गुरु आपकी जिंदगी में आ जाए तो समझ लो आपका जीवन सार्थक हो गया, आपका जीवन सार्थक। पार्वती जी से पूछा महादेव ने, तेरा गुरु कौन, कौन है तेरा गुरु? पार्वती जी से महादेव जी पूछ रहे हैं, तेरा गुरु कौन है? पार्वती जी कहती है, जब मैं बाल्यावस्था में गोदी में मेरी माँ की सोई थी, तब मेरे एक गुरु देवऋषि नारद जी आए थे। उन्होंने केवल इतना कहा था कि अगर पार्वती शंकर की आराधना करे तो शिव इसको मिलता जरूर है। कोई एक गुरु आपकी जिंदगी में आकर बोलता है कि शंकर की आराधना करो, शिव की उपासना करो, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव मिलता जरूर है। मैंने शंकर की आराधना चालू करी और मुझे शिव मिल गया, शिव मिला, इसलिए एक देव ऋषि नारद मेरे गुरु बन गए, और दूसरे नंबर पर मेरे पति महादेव, देवाधिदेव महादेव को मैंने अपना गुरु बना लिया, क्योंकि वो अड़भंग है, वो आशुतोष है, वो त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी है, वो मौन शांत कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, सब पर करुणा करने वाला, सब पर कृपा करने वाला, सब पर दया करने, वो शिव मेरा गुरु है। शंकर जी ने कहा, पार्वती दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि तूने पति को गुरु बना लिया? दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि तूने पति को गुरु बना लिया? पार्वती जी कहती है, ये दुनिया के लोगों के लिए प्रेरणा है, ये दुनिया के लोगों के लिए प्रेरणा है। सतमार्ग देने वाला अगर आपके घर में है तो वो भी किसी गुरु से कम नहीं है, उससे ज्ञान लीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। और गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ पर माल हम ही को देओ। ना ना ना, चक्कर में पड़ना ही मत, मत पड़ो, बिल्कुल ना पड़िए। आपको अच्छा लगता है, शिव जी के मंदिर में जाओ,
शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिवलिंग का स्पर्श करो, और स्पर्श कर कर शिवलिंग का बाबा देवदि महादेव को स्पर्श कर कर कह दो आज गुरु पूर्णिमा है मेरे शंकर, आज गुरु पूर्णिमा है और मेरा कोई गुरु नहीं, आज से मैंने किसी इंसान को नहीं, मैंने देवदि महादेव तुम्हें अपना गुरु बना लिया है। ओम नमः शिवाय, मैंने अपना गुरु आपको बनाया, आप सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु माना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब को खोला जाता है और गुरु ग्रंथ साहिब को खोलने के बाद उनका एक शब्द गुरु मंत्र के रूप में दे दिया जाता है कि हमें बहुत गुरु बनाने की जरूरत नहीं। सिख धर्म कहता है कि हमारा गुरु ग्रंथ साहिब ही हमारा गुरु है, हमारा ग्रंथ हमारा गुरु है, हम कब तक भटकेंगे, कब तक। शिवालय में जाइए, शंकर की चौखट पर, शंकर के मंदिर में स्पर्श करो शिवलिंग का और हृदय से कह दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्पर्श किया उसको अपना बना लिया, स्पर्श किया पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोल दिया, स्पर्श किया षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोल दिया, हम तेरे और तू हम कहां भटकेंगे, किस किस के पास जाएंगे, किस किस से कहेंगे, किसको जाकर कहेंगे, महाराज उस शिव का स्मरण हमारे जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर देता है, सिद्ध। इसीलिए आप लोगों को पहले भी काज फिर कहते हैं कि शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा दिल ना। शिव की कथा कर रही है, देवराज नाम के ब्राह्मण की माँ स्वयं शिव की उपासना में लगी रहती थी, उसका फल ये हुआ कि देवराज कभी शिवालय नहीं गया, पर एक लोटे जल के प्रताप से देवराज शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया चोरी का धन लेकर, और बाबा देवदि महादेव ने कृपा ऐसी कर दी कि बेलपत्र के वृक्ष के छांव में उसके प्राण छूट गए। नंदी लेकर भगवान शिव आए और देवराज को लेकर चले गए। ये शिव पुराण कहती है हमारा एक लोटा चढ़ाया गया जल आज नहीं तो कल हमारी जिंदगी को बदलेगा जरूर और हमारे जीवन को सुखमय बनाएगा, बदलता जरूर। पर किसका बदलेगा कल, जिसका विश्वास जिसका भरोसा शिव के प्रति जागृत है, भरोसा जागृत होना चाहिए, विश्वास पूर्ण। दुनिया के लोग कह दें कि ये तो पत्थर है, वो दुनिया के लोग कहेंगे कि पत्थर है, पर आपके भीतर का विश्वास होना चाहिए नहीं इसमें मेरा शंकर बसता है, कंकर में शंकर बसता कंक। एक एक बहन ने लिखा कि शोभना सौरभ सोनी, शोभना सौरभ सोनी कहाँ के लिखा है, गांव का नाम तो कहीं बैठे हैं हाथ हिलाइएगा, शोभना सौरभ सोनी मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो
तो हाथी ला सकते हैं। इन्होंने पत्र में लिखा हम इतने तकलीफ में थे कि खुद के मकान में नहीं थे, 30 साल तक किराए के मकान में रहे। शोभना सौरभ सोही सोनी कहीं बैठे हों तो हाथी ला सकते, 30 साल तक किराए के मकान में रहे। तब किसी ने कहा कि यह सीहोर का कंकर है और इसको जो पूजता है और जो मांगते हैं वो मिलता है। सीहोर का कंकर हमें दे दिया। हमने केवल 1.5 महीने लगातार उस कंकर पर जल चढ़ाना, पूजन करना, स्मरण करना और बाबा की ऐसी कृपा हुई कुबेरेश्वर बाबा के कंकर की कि आज बाबा की कृपा से 30 साल के बाद हम खुद के मकान में जाकर निवास कर रहे हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। शोभना सौरभ सोनी, अब इनका गांव क्या लिखा है ये हमको पढ़ने में नहीं आ रहा, तो वो गांव आप पढ़ लो जो लिखा है। देखो टीवी पर आपको पढ़ाई में आ जाए तो पढ़ लो। शोभना सौरभ सोनी गांव का नाम लिखा है, मध्य प्रदेश के निवासी हैं और मोबाइल नंबर ये। हम बाबा का धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि 30 साल के बाद बाबा ने हमें अपने मकान में भेजा। और साथ में उन्होंने लिखा हम कुबेरेश्वर धाम पहली बार बाबा को प्रणाम करने। अभी तक तो केवल कंकर था हमारे पास, केवल कंकर। एक विश्वास शिव के प्रति है तो शिव हमारे करीब में है, शिव हमारे पास। एक विश्वास, यहां हजारों लोग आते हैं, कोई भंडारा चलाता है, कोई बिस्कुट बांटता है, कोई पानी बांटता है, कोई टॉफी बांटता है, कोई कुरकुरे, कोई आधिक आधिक सामान खाने का बांटता है। बांटने वालों से पूछिएगा कि मेरे बाबा ने तुमको दिया कितना है, जो दिया आज बांट कर जा रहे हो मालूम पड़े आने वाले समय में बाबा और इतना दे देगा कि तुम दोनों हाथों से फिर लुटाते हो। एक विश्वास जागरूक। एक बिंदु नाम का ब्राह्मण जल में गिरकर मर जाता है, जिसके प्राण छूट जाते हैं। गलत व्यसन में डूबा हुआ, गलत सोच में डूबा हुआ, गलत कार्य में डूबा हुआ वो मर जाता। तब उसकी धर्म पत्नी चंचुला देवी शिव जी की कथा का पान कराती है, रसपान कराती है। तुमरुका जी कथा का वाचन करते हैं। स्वयं ईसर जी और गोरा जी बनकर भगवान शिव पार्वती आते हैं। जोरदार थाली बजाकर स्वागत करिए ईसर जी और गोरा जी का। भगवान शंकर और पार्वती ने आकर ईसर जी गोरा जी बनकर कथा का रसपान ग्रहण किया। तुमरुका जी ने कथा सुनाई। आज प्रथम दिवस की कथा यहाँ विराम ले रही है और 7 दिवसीय बाबा कंकर शंकर की पवित्र भूमि पर 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं, भाव से भक्ति से कथा का रसपान कर रहे हैं। ज़्यादा कीचड़ पानी रहे, ज़्यादा जलवृष्टि रहे तो अपने घर में रहकर अपने घर के अंदर टीवी चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से कथा का रसपान करिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। हर हर 1 बजे से 4 बजे तक प्रतिदिन कथा का लाभ लीजिए। महादेव गुरु भगवान शिव को गुरु बनाकर भगवान शंकर की ये पवित्र कथा का स्थान आप और हम करें। सभी को ध्यान रखना है, अपने कोई भी कीमती सामान लेकर कथा स्थल पर ना आए, कथा स्थान पर ना आए। बुजुर्ग बच्चे अपने साथ आए हों तो उनका हाथ पकड़ कर चलना, धीरे धीरे चलना, रास्ते रास्ते से चलना। और प्रयास करो, कथा का मूल लक्ष्य होता है एक दूसरे की सेवा करना, सहयोग प्रदान करते हुए चलो, किसी को धक्का देते हुए नहीं, किसी को कष्ट देते हुए नहीं। अपन कितने लोगों को अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं वो प्रयास कर कर चले। सबको हर हर